रेमडेसिविर को कोरोना काल में संजीवनी बताया जा रहा है, जिसके बाद मोटी कमाई के चक्कर में इसकी कालाबाजारी पर लोग उतर आए हैं। ऐसे तीन पापियों को महाराष्ट्र पुलिस ने धर दबोचा है। रेमडेसिविर को कोरोना काल में संजीवनी कहा जा रहा है, लेकिन संजीवनी पर माया का पहरा है, इसकी कालाबाजारी रुक नहीं रही है। महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो रेमडेसिविर का एक वॉयल 12,500 की कीमत पर बेच रहे थे। अभी तक तो हमने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है, उसके बाद अब यहाँ आगे का इंक्वायरी हमारा चालू है, जो कि वो कंपनी में जो ये बैच के जो इंजेक्शन थे वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था और वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कौन से कस्टमर को दिया है, उसी मुताबिक हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का चालू। तीनों को मीरा रोड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की तीन वायल सहित करीब 2.25 लाख के अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। हमारे पुलिस ने जो आजू बाजू में रहते थे उन्होंने वो आरोपी को पकड़ लिया और उसके पास से रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन और जो 12,500 रुपए दिए थे वो वहाँ पर रिकवर किया। पुलिस ने 4-5 दिनों से आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ट्रैप लगाया था, जिनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 4 लोगों को महाराष्ट्र के पुणे से 3 शीशियों के साथ पकड़ा गया था। बारामती से पकड़े गए ये 4 शीशियों पर रेमडेसिविर का लेवल लगाकर पैरासिटामोल बेच रहे थे। और अब आपको रेमडेसिविर से जुड़ी वो जानकारियां बता दें जो इस वक्त आप में से सबको पता होनी चाहिए। मोटी मोटी ये जानकारी ये है कि अमेरिका में गिलियड फार्मास्यूटिकल्स ने इसका आविष्कार किया था, इसको बनाया था, और ये बनाया क्यों गया था? इबोला से लड़ने के लिए। बाद में सार्स और मर्स नाम की जो बीमारियां आई थी उसके खिलाफ भी इसको प्रभावी पाया गया था। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है जो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। लेकिन क्या सबको रेमडेसिविर की जरूरत है और क्या इस समय वाकई रेमडेसिविर प्राण बचाने वाली साबित हो रही है? इसके लिए आपको कुछ तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। मसलन, रेमडेसिविर जरूरी क्यों है? कोरोना रिकवरी टाइम को 5 दिन तक घटाती है क्योंकि उसके रेप्लिकेशन को रोकती है। वायरस जब अपनी कॉपीज बना रहा होता है, उन कॉपीज को बनाना, उसकी जो कार्बन कॉपीज एक तरीके से बन रही होती हैं, उस पर रोक लगा देता है, इसलिए ये रिकवरी टाइम को कम कर देता है। अगर मरीज 15 दिनों में ठीक हो रहा है अस्पताल में तो ये 10 दिनों में ही डिस्चार्ज होकर घर आ सकता है। लेकिन क्या सबके लिए जरूरी है? सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज, मतलब वो मरीज जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90 से नीचे आ रहा है, उनको इसकी आवश्यकता है? 50 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि इसके बारे में अभी कोई प्रामाणिक साइंटिफिक रिसर्च और पेपर सामने आना बाकी है। लेकिन क्योंकि 50 देशों में इसे आजमाया गया और वहां कई जगह इसे प्रभावी पाया गया, लिहाजा इसे ये प्रचलन में आ गई। घर पर आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए ये आवश्यक नहीं है। जिनको ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 95 या ऊपर है उनके लिए आवश्यक नहीं है। और यंग लोगों में तो अगर 90 तक भी चला जाता है ऑक्सीजन सेचुरेशन तो घबराने की जरूरत नहीं है, रेमडेसिविर आवश्यक नहीं है। WHO के मुताबिक जानलेवा हालात में रेमडेसिविर का असर नहीं होता, WHO ने यह भी कहा है। और बल्कि उसने एसेंशियल जो मेडिकेशन है उसकी लिस्ट से इसको बाद में हटा भी दिया था। उसने ये पाया था कि रेमडेसिविर जो एकदम कल्बिनेशन में पहुंच गए केसेस हैं, जहां लंग बुरी तरह अफेक्ट हो चुका है, वहां रेमडेसिविर देने से भी काम नहीं बनता। क्या सबके लिए रेमडेसिविर की जरूरत है? इसमें एक तथ्य यह भी कि रेमडेसिविर कोई जादू की गोली नहीं है। रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर जोर दिया कि ये मत समझें आप कि रेमडेसिविर बस आपके हाथ में आ जाए तो आप तुरंत पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेमडेसिविर के इस्तेमाल से लिवर के एंजाइम्स का स्तर बढ़ जाता है, ये इसके बारे में एक फाइंडिंग है। और रेमडेसिविर, जैसा हमने आपको बताया कि घर पर मौजूद जो लोग हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है। इससे जुड़ी एक फाइंडिंग ये भी है कि रेमडेसिविर से एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट में बदलाव, ये सब संभव है। ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये भी मुमकिन है कि रेमडेसिविर से कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी हो जाए। और रेमडेसिविर कोरोना से होने वाली मौत को कम नहीं करती है। डॉक्टर VK Paul, जो कि हमारे यहाँ कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, उनका कहना यह है कि इससे मौत के मामलों में, मतलब फैटेलिटी पे, कोई असर नहीं पड़ता। बस ये होता है कि अगर आप रिकवर होने वाले हैं 15 दिनों में तो 10 दिनों में रिकवर हो जाएंगे। अब रेमडेसिविर के बारे में ये जानकारी भी जरूर देख लेनी चाहिए आपको। रेमडेसिविर का संकट इस समय क्यों है? कोरोना के केस घटने पर रेमडेसिविर का प्रोडक्शन घटा था, और जब प्रोडक्शन घटा था तब भी उसमें यह पाया गया कि यह सरप्लस हो रहा है, तो हमारे देश ने इसका निर्यात करना शुरू कर दिया था और 11 लाख के आसपास बाहर भेज दिए गए थे डोसेज। भारत की रणनीति क्या है?
सिर्फ ऑक्सीजन वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हीं को देना है, घर पर आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और 50 से ज़्यादा देशों में क्योंकि इसका इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इसकी स्कैर्सिटी बनी हुई है। प्रोडक्शन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मिसमैच देखने को मिल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।